नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पीएससी की जो परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो इसके संबंध में एक जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि रिक्तियों की संख्या में संशोधन किया गया और जो आयु सीमा है वर्दीधारी पदों डीएसपी ईटीसी की, तो उसमें जो आयु सीमा है उसका जो सूचना है उसके बारे में बता देता हूँ कि संशोधन किस प्रकार से किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो पद हैं सहायक संचालक के, वो 60 कर दिए गए, 60 बढ़ा दिए गए हैं, तो ये 5400 ग्रेड पे की एक पोस्ट है। वहीं वाणिज्य कर विभाग की बात करें तो वाणिज्य कर अधिकारी की 5 पोस्ट हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं, इनकी जो ग्रेड पे है वो 5400 ग्रेड पे रखा गया है। वही जनसंपर्क विभाग की बात करें तो सहायक संचालक जनसंपर्क 5400 ग्रेड पे रखा गया है। वही वाणिज्य कर विभाग के तृतीय श्रेणी कार्यपालक की बात करें तो आबकारी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो जो 3600 ग्रेड पे है जो कि 69 पोस्ट बढ़ा दी गई। वहीं वाणिज्य कर निरीक्षक की बात करें तो जो भी 3600 ग्रेड पे है जो कि 20 पोस्ट बढ़ा दी गई। वहीं वित्त विभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की जो पोस्ट हैं उसमें 3600 ग्रेड पे 88 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। ठीक है, इसके साथ ही सहायक संचालक के जो पद है उसको विलोपित कर दिया गया है, जो कि पद थे 19, ठीक है, वो कि 5400 ग्रेड पे हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि निःशक्त जन कल्याण विभाग के जो पद हैं उसमें सहायक संवर्ग के पदों को अहर्ता संशोधन के परीक्षक विभाग ने के अनुरोध पर विलोपित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो अब पद है 571 हो चुके हैं। वही आयु सीमा की बात करें तो ये आयु सीमा है वो 38 कर दी गई है, इसमें एक्सटेंशन 5 साल का दिया जाएगा, ठीक है, जो कि 2019 में 1 साल का अतिरिक्त जो है छूट भी दी जाएगी। वहीं और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो पहले से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो सेवा है उसको यदि घटा दी जाए तो उसके आधार पर जो भी अंतर निकलेगा वो 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सूचना थी वो मैं आपको पहुंचा दी है। वहीं और कोई भी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताता हूं। अभी मेडिकल ऑफिसर के जो फॉर्म आए हैं पीएससी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।